हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बाहर निकले हुए दांतों के बारे में। बाहर निकले हुए दांतों को जल्दी से जल्दी कैसे अंदर करवा सकते हैं और क्या क्या इशू को हम लोग जो है वो एक ही बार में ठीक कर सकते हैं। हमारे पास यही पेशेंट आए थे बिहार से। मैं आपको दिखाती हूँ इनके जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, इशू क्या था। इनको मेनली क्या इशू था, हल्के से इनके दांत बाहर थे, दांतों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, साथ में दांतों में गैप भी था। इसके साथ में इनकी जो पर्सनल चॉइस थी वो क्या था कि दांत अंदर करवाने थे, साथ में दांतों को बहुत ज़्यादा चौड़ा जो थे वो इनको चाहिए था कि वो लुक ऐसा ना आए कि वो दांत जो है बहुत ज़्यादा चौड़े दिखे, साथ में ही दांतों का जो गैप है बीच का वो भी भर जाए। तो ये सारी इच्छा लेके ये हमारे पास आए थे और ये अपना ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी करवाना चाहती थी। तो चलिए मैं पेशेंट का सबसे पहले आपको बिफोर का लुक दिखाती हूँ कि बिफोर का लुक किस तरीके का था इनका। हेलो, मैं सर डॉक्टर प्रियंका और आज हम लोग आए हैं एक नए केस के साथ में। ये पेशेंट हमारे पास यूपी से आए हैं, इनका नाम वीर है। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके अपने दांतों में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जिसको ये करेक्ट करवाने आए हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो और बताओ क्या दिक्कत है आपको। मेरे दांत जो बाहर निकले हुए हैं और हंसने में बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। हंसने बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे हंसने बोलने में क्या दिक्कत होती है? सर मैम ये बाहर निकल आते हैं दांत। बाहर निकल आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है बाहर निकलने में? शर्म महसूस होता है। शर्म महसूस होती है। कब हंसे थे लास्ट टाइम अच्छे से खुल के? जी मैम हंस के कभी ऐसे मुस्कुरा के ऐसे बात कर लेते हैं, हंसते नहीं खुल के। खुल के नहीं हंसते हो? खुल के क्यों नहीं हंसते, दांतों की वजह से? सिर्फ दांत ठीक हो जाएंगे तो खुल के हंसोगे? तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कितने टाइम से चल रहा है कि आप खुल के नहीं हंस रहे हो? काफी टाइम से चल रहा है। कितने सालों से? अब मैम 24 का एज है, आप समझ लीजिए कितने साल से, जब से मैं बड़ा हुआ, जब से होश संभाला। हाँ, जब से होश संभाला तब से नहीं हंस पा रहे। तो हमारे जो पेशेंट है वीर, इनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये काफी लंबे समय से खुल के नहीं हंसे हैं, क्योंकि इनको जब भी ये हंसते हैं तो इनके दांत क्या बाहर हैं, ऑलरेडी भी बाहर हैं और हंसते हैं तो थोड़े से बाहर और आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा शर्म आती है और ये अभी तक खुल के नहीं हंस पाए हैं। तो ये अपना इलाज करवाने आए हैं ताकि ये खुल के हंस पाए, कॉन्फिडेंस लेवल वापस बिल्डअप हो पाए। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है जी। तो चलिए हम इनका नया केस स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके आफ्टर का रिजल्ट कैसा है। अभी हंस के दिखाओ पेशेंट्स को, अभी हंसी कैसे आती है? इतना ही हंसते हो अभी? तो ये इतना ही हंसते हैं, वीडियो के लास्ट में देखते हैं कि ये खुल के हंस पाते हैं नहीं हंस पाते, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो जैसे कि आपने देखा इनका बिफोर का लुक किस तरीके का था, दांतों के बीच में गैप भी है, दांत काफी ज्यादा आगे निकले हुए हैं, साथ में जब भी स्माइल करते हैं तो दांत जो ऊपर के जो दांत है वो बाहर आ जाते हैं और अलग से ही दिखाई देते हैं। तो इनको इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और ये काफी लंबे समय से जो थे वो मुस्कुराए भी नहीं थे, हंसे भी नहीं थे। तो इसीलिए हमने इनको सजेस्ट किया कि आपके लिए स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर रहेगा, क्योंकि इसमें हम टीथ के बीच का जो गैप है, टीथ की जो चौड़ाई बहुत ज्यादा थी बाहर निकले हुए दांतों का, उसको कम करना, साथ में बाहर निकले हुए दांतों को हल्का सा अंदर लेके आना, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट में कंप्लीट कर देते हैं। साथ के ही इनके मसूड़ों में भी क्या इशू था कि इनके मसूड़ों में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, खून बहुत ज्यादा आता था, तो इस चीज का ट्रीटमेंट भी हमने इनको साथ में ही दिया। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया गया, टीथ की क्लीनिंग किया गया, टीथ को पूरी तरीके से साफ किया गया, जितने भी मसूड़ों में सूजन था उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसके बाद में हमने स्माइल डिजाइन का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट किया। स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट के लिए हमने सबसे पहले इनका जो था मॉडल्स रेडी करवाए कि किस तरीके की स्माइल है, क्योंकि दो चैलेंजेस थे कि हमारे पास दो चैलेंजेस थे कि एक पेशेंट के दांतों में ऑलरेडी गैप था, साथ ही पेशेंट को अपने दांत भी चौड़े लगते थे, तो इसी चीज को दोनों को मैनेज करके हमें जो मॉडल्स तैयार करना था, इनका स्माइल जो है वो डिजाइन करना था। तो हमने स्कैनिंग किया, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने जो है इनका डिजाइन किया, आप वो फोटोज जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इस तरीके से इनका जो है वो कंप्लीट डिजाइन हुआ, उसके बाद में हमने पेशेंट का जो है पेशेंट के ऊपर कंप्लीट ट्रीटमेंट किया। फाइनल डिजाइन होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ उनके आफ्टर का जो लुक है वो किस तरीके का रहा। आप देख सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा इनका बिफोर एंड आफ्टर में कितना चेंजेस हुआ, इसी के साथ में जो भी मुझसे हर वीडियो के नीचे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें कितना पेन होगा, कितने दिन में ट्रीटमेंट होता है, तो अभी इनका जो है वो स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, तो अभी जानते हैं कि पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है क्या रहा, एक्सपीरियंस जैसा कि इनका इलाज के दौरान कैसा रहा, क्या सोच के लिए आए थे, इनको कैसा लग रहा है बाद में, तो आप बता पाएंगे कि कैसा लग रहा है, कितने दिन में आपका इलाज हुआ?
मैम मेरा इलाज 2 दिन में हो गया। 2 दिन में इनका इलाज हुआ है कंप्लीट। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन में जो हम इलाज करते थे उसको जितना जल्दी हम कर सके, ताकि पेशेंट्स को जो रुकने की प्रॉब्लम आती है कि वो यहाँ 3-4 दिन रुकते हैं तो खर्चा भी बढ़ जाता है, सारी दिक्कतें जो भी रुकने की आती हैं उस चीज को हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन में या 3 दिन में ही आप लोगों को यहाँ से जो है जल्दी से जल्दी हम फ्री कर पाए। तो इनका जो इलाज है वो 2 दिन में हुआ है, तो इलाज के दौरान आपको कोई भी दिक्कत या इलाज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इलाज होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पहले वाले स्माइल में क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरे दांत बाहर निकले हुए थे, हंसने में बोलने में दिक्कत हो रहा था, अब सही है। अब सही है। और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कि आप क्या सोच के आए थे, क्या दिमाग में लेके आए थे, किस तरीके का स्माइल आपको चाहिए, आपका जो सोच के आप आए जो हुए सोच के आए तो वैसा ही हुआ। जैसा सोच के आए थे वैसा आया, यहाँ पे आना आपका सफल हुआ कि नहीं हुआ? जी, ऐसा तो नहीं है कि खर्चा भी लग गया जो मैं सोच के आया था वैसी चीजें नहीं मिली? नहीं, सब मिला आपको। जैसा हंस रहे थे आप खुल के हंस पाओगे? कितने साल से नहीं हंसे थे आप? 24 साल से हंस रहे थे। तो ये 24 साल से जो है वो खुल के नहीं हंस पाए थे, अभी इनका स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद आप खुल के हंस पाओगे? इस तरीके का भी इतना ही स्माइल कर पा रहे हैं ये। अगर मैं आपको इनके फोटोज भी, जैसे आपने देखे होंगे इनके पहले के दांत कितने निकले हुए थे और 2 दिन के अंदर अंदर जो है इनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया है। अभी कोई भी पेन, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम? खाना वगैरह भी आपने खा के देखा? खाने वगैरह में कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत। तो ऐसा नहीं है, काफी लोगों का सवाल आता है मैम हम खाना कब से शुरू कर सकते हैं या हम क्या क्या खा सकते हैं क्या क्या नहीं खा सकते? आप खा सकते हो, आराम से खा सकते हो। अभी इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है और अभी ये खाना खा के भी देख के आए हैं, इनको खाना खाने में भी कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठंडा गर्म ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सवाल हैं, जो छोटे मोटे जो भी सवाल हैं, जो भी मुझे अभी याद आ रहे हैं, मैं कमेंट जो भी वीडियोस डालती हूँ उनके नीचे जितने भी सवाल पढ़ती हूँ, तो उन चीज मैं वीडियो जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं उन सबका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और भी पेशेंट्स भी रहते हैं तो हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते। तो आप वीडियो देखते रहिए, आपके कमेंट्स के जो रिप्लाई है वो आपको वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में नहीं है तो हो सकता है नेक्स्ट में मिल जाए। तो आप वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब जितने भी आपके दांतों से रिलेटेड हैं या आपके मसूड़ों से रिलेटेड हैं या डेंटल से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको इस सारे वीडियोस में जो है आंसर मिलते रहेंगे। तो अभी हमारे ऑडियंस के लिए कोई भी आप मैसेज देना चाहोगे? जी हाँ, कोई भी आकर इलाज करवाना चाहता है तो यहाँ के करवा ले। नहीं है, जिसको भी चाहिए आपको हमारा नंबर कैसे मिला था? व्हाट्सएप से? ऑनलाइन? ऑनलाइन। यूपी से आए थे आप? तो ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा दूर से हैं तो आप इलाज करवाने नहीं आ सकते हैं। यूपी से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बस एक ट्रस्ट होता है। कई बार क्या होता है, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा, हमें ट्रस्ट नहीं हुआ या फिर कुछ भी गलतफहमियां हो गई कि कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो आप जो व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया है आप उस पर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद आप जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए आए। इन्होंने भी हमसे फ़ोन पर बात की थी। जी, कितने टाइम बात किया आपने? पहले भी बात किया था? पहले भी किया था, कुछ महीनों पहले भी बात किया था। ये कब से इलाज के लिए सोच रहे हो? दिसंबर से, दिवाली के पास से ये इलाज के लिए सोच रहे हैं और नई साल भी आ गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट बहुत टाइम पहले से सोच रहा होता है या किस तरीके से, तो दिवाली आई जाती है, आते आते दिवाली से सोच रहे हैं, नई साल आ गई है, हो सकता है आप नई साल से सोच रहे हो और आपको होली भी आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट 2-3 महीने का बाद का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके भी दांत हमारे पेशेंट की तरह बाहर निकले हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी अगर उसको सही करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।